लिया है अंदर एंड गोल 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 घूम रहे हैं, बहुत ही डी है। अगला स्टॉप क्या है? And guess what? It's my birthday! Rome is our third and last destination और हमने फटक से पास लिया और तैयार हो गए यहाँ से अपने दोस्त के घर जाने के लिए। So हमने ये टिकट लिया, ये बस पास है। सॉरी, अभी बजा है सुबह का 6:30 एंड मैं फंबल कर रही हूँ लैंग्वेज। तो ये पास हमने ले लिया 2 दिन का, क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन रहने वाले हैं। 1 दिन का पड़ता है 7 यूरोस एंड 2 दिन का पड़ता है 12.5। तो 2 लिए हैं हमने, बहुत ही यूज़फुल रहेगा पूरा जो रोम का सिटी है ना, यहाँ पे इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए सब जगह लगेगा ये। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने एक दोस्त की यहाँ, तो वहाँ जाके फ्रेश अप होके बैग फेंक के फिर वहाँ से वापस आएंगे सिटी के यहाँ सारे अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने। दिस वॉज आवर 5th डे ऑफ कंटिन्यूस ट्रैवलिंग और आप देख सकते हो कितना टायर्ड है हम दोनों। और इसी थकावट के साथ हम लोग वेट कर रहे थे अपने बस के लिए जो बहुत ही देर से आया, और हमें यहाँ से निकल के अपने दोस्त के यहाँ जाना था जो सिटी से थोड़ा सा दूर था, और वहाँ से वापस भी आना था टू अटेंड द कोलोसियम का स्लॉट विच वॉज एट 9:15 AM। लेट्स गेट टू नो रोम। इट्स नेम्ड एज द एटर्नल सिटी एंड इट्स बिल्ट ऑन 7 हिल्स। इट्स होम टू काउंटलेस फाउंटेन्स एंड ऑल्सो होल्ड्स इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज वेटिकन सिटी। इट हैज सीक्रेट एंशियंट रोमन tunnels and catacombs lie beneath the city. We are late. We metro se aaye abhi. Second bus pakadna hai. Bus number 87 which goes to Colosseum. Aur apna slot hai 9:15 ka and now what is the time? 8:41. हमें उतरना था कोलोसियो पे, लेकिन हमें एक स्टॉप आगे उतारा गया क्योंकि किसी ने स्टॉप बटन ही नहीं दबाया। तो हमें भागते दौड़ते यहाँ पे आना पड़ा, और यहाँ पे आने पे पता चला जो टिकट हमने लिया था वो रोमा पास के ऊपर रिडक्शन था, तो वो यूज़फुल नहीं होता है। तो हमें फिर से नया कोलोसियम का पूरा 18 यूरोस पर पर्सन भर के नया टिकट लेना पड़ा। अब जाके ले लिया है, अंदर एंट्री कर लिया है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई बहुत भागम दौड़ी हो रहा है सुबह से। कट टू कट पूरा टाइमिंग था, कुछ है भी नहीं, देखते हैं अभी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। पूरा देखने के बाद बाहर जब निकलेंगे तब जाके कुछ खाने का नसीब हो। लेट्स गेट टू नो द कोलोसियम। इट वॉज वंस यूज्ड फॉर नेवल बैटल्स। इट्स अ सिंबल ऑफ रोमन पावर, होस्टेड वेरियस इवेंट्स, रिमेन्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ रोम हिस्ट्री। इट has a bloody arena that is the gladiators fought till death. It also houses underground tunnels housed for animals and gladiators. It nearly collapsed and saved in 18th century. अब इतना घूमने के बाद हम लोग थक गए थे और ये छाता भी हमें बचा नहीं पाया, तो हम थके हारे सोचा कि चलो कोई कैफ़े चलते हैं। तो सामने ही एक बहुत ही एलिगेंट सा कैफ़े था, हम वहाँ पे जाके बैठे तो पता चला ब्रेकफास्ट में यहाँ पे सिर्फ क्वेसा मिलता है, तो इट वाज नॉट ओके एंड यू कैन लुक एट राहुल्स फेस। नहीं जो
Such a bad day. Tired. Anything I love. We almost lost our phones, both of us on the train, and in the station the ticket machines are not working and there's not a single person whom we can ask or talk about. And what else? It's too sunny. Or ye inka jo stations rehte hai jahan pe bus aur baki sare aise transport ka inka jo stations rehta hai wo bhi itna confusing hai bhai. Aur ye show. It's my birthday. We are back to pizza again, and then the same old what Rahul loves, aloo fry. Baked potatoes. Oh, and this is spaghetti with which Rahul is in love with right now. Tomato sauce, garlic. Yeah. Chili. And some Parmesan cheese on top of it. And it's me. Hi again. ये हमारा फर्स्ट डे था रोम में और हम सिर्फ कोलोसियम जा पाए और उसके ऊपर इतना धूप था. काफ़ी सारे चीज़ें प्लान थे लेकिन नहीं कर पाए. हमें भाग के वापस रोम आना पड़ा दोपहर में एंड इसे दबा के सोए भाई. तो रात को भी निकल रहे हैं सिंस इट्स माय बर्थडे. तो कुछ तो अच्छा करना है, घर पे नहीं बिताना है. तो क्या कर रहे हैं? ऐसे माना जाता है कि आप कोई भी विश करके त्रेवी फाउंटेन में एक सिक्का फेंकोगे तो वो पूरा हो जाता है. तो मैंने भी ट्राई किया और इसी फाउंटेन के बगल में एक और पानी बहता हुआ आपको दिखाई देगा जो दो तरफ से बहता है. माना जाता है कि अगर कपल यहाँ से दोनों साथ में पानी पीता है तो वो सातों जन्म साथ में रहेगा. तो हमने तो भर भर के पिया. वो ऑल्सो लास्ट टाइम मैंने गलत फेंक दिया तो इस बार बताती हूँ. अगर आप सिक्के को आपके राइट हैंड में होल्ड करके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से फेंकते हो तो तभी ये पॉसिबल होता है.
चलो, मुझे तो आज लगा था कि मेरा बर्थडे बर्बाद जाएगा बिकॉज इतने हीट की वजह से हमें वापस घर जाना पड़ा, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ क्योंकि हम शाम को फिर से निकल के बाहर आए जब इतना मतलब धूप ही नहीं था शाम को, मतलब 9:30 को हम लोग निकले एंड तभी सनडाउन होता है, आई मीन सनसेट, बट काफ़ी हीट तो है, ऐसे नहीं कि सन चला गया और कोल्ड हो गया, ऐसे नहीं, बहुत हीट है अभी भी, अब देख पा रहे हो कितना स्वेटिंग हो रहा है। बट ये त्रिवी फाउंटेन जो हमने विज़िट किया बहुत ही अच्छा था, ये यहाँ पे बहुत मज़ा आया, तो बहुत लगा आज का दिन, आई थिंक मेरा बर्थडे अच्छा गया। एक और डेस्टिनेशन है, ये भी ख़त्म करके फिर हम वापस घर निकलेंगे, दिखाते हैं। डे टू इन रोम एंड जब कल मेरा बर्थडे था और जब मुझे लगा ये सब खराब हो ही गया क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, तो फिर राहुल रात को फिर से मुझे ट्रेवी फाउंटेन लेके गया एंड इट वाज नाइस। और मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो मैं खुद से घोषित कर रही हूँ कि आज भी मेरा बर्थडे है। तो अभी बहुत धूप था तो हम सुबह नहीं निकल पाए, तो शाम को अभी 5:30 बजा है हम जा रहे हैं वैटिकन सिटी एंड यहाँ पे जो बसेस होते हैं या जो भी ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैप भी आपका हाथ उठा देगा, ऐसे ही हो रहा है, गोल 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 घूम रहे हैं, बहुत ही डिहाइड्रेशन हो रहा है फिलहाल तो, बट कोई नहीं हम पहुँच जाएंगे, दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक, राइट। हौसला होना ज़रूरी है, हाँ, वो वर्ड नहीं आया मेरे को, क्योंकि बर्थडे है मैडम का और हमें सेलिब्रेशन करना ही ये है, तो सेकेंडरी बर्थडे, सेकेंड नहीं, बर्थडे रोज होता है, मेरी बेबी का बर्थडे रोज है। अभी अभी यहाँ पे कुछ हुआ, हम लोग बस में बैठे थे, जो अफ्रीकन ओरिजिन से आते हैं लोग तो वो सीट पे बैठी थी और एक इटालियन प्रीस्ट थी, एक लेडी जो शायद नन थी, वो उसके बगल में सीट खाली था ना, तो वो नन जाके उसके बगल में बैठने लगी, तो ये औरत उसको चप्पल उठा के मारने लगी बस में, भरी बस में सबके सामने, पता नहीं क्या हुआ, वो नन तो चुपचाप चली गई, बट एक और सेम ओरिजिन का बंदा बगल में दूसरे सीट पे बैठा था वो भी उठ के आगे गया, किसी इटालियन ने उसे कुछ पूछा कि अगला स्टॉप क्या है, तो एकदम गुस्सा करने लगा, पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों एक दूसरे को इतना ऐसे हेट करते या पता नहीं, नो वंडर इतना इनटॉलरेंस है यहाँ पे, पता नहीं बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं जब से रोम आई हूँ मैं, घबराहट भी हो रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट एक आई डोंट नो, इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग इन रोम, मे बी आई हैड दिस एक्सपीरियंस, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, एनी थिंग इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट ये अभी जो था बस में देखा भाई, इट वॉज नॉट ओके। या अब आगे का व्लॉग राहुल करेगा, नहीं वैटिकन सिटी पे आए हैं, काफी दूर था, काफी धूप है एंड कुछ नई चीजें बता, हम सह रहे हैं और ये आप जो देख रहे हैं ये जुगाड़ कहते हैं इसे, सर पे पानी, ये पैट जो है ना पूरा पानी में डुबो दिया, पूरा गीला करके सर पे डाला, तो थोड़ा हॉट रहेगा, कोल्ड रहेगा, सच में इट वर्क्स। Okay.
ये वेटिकन सिटी के पास का वाटर फाउंटेन। बस के बोर्ड्स हर जगह होते हैं, तो आपको मैप पे देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का है आपका बस, उसके हिसाब से आप स्टॉप के यहाँ खड़े हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि यहाँ भी सेम नंबर्स होते हैं और अपोजिट में भी सेम होते हैं, जहाँ पे भी स्टॉप हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दिस इज़ व्हाट लेड अस टू कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। बस अभी अपना ट्रिप ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वेटिकन सिटी ही लास्ट था, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुके थे हम। तो अभी हम जाने वाले हैं अपने दोस्तों को मीट करने, तो आधा रास्ता अभी और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मीट करके वी विल हैव अ डिनर एंड उसके बाद उनके घर जाएंगे, वहाँ से अपना बैग पिकअप करेंगे और सीधा एयरपोर्ट चलेंगे, एयरपोर्ट घर जाने के लिए। एंड आई एम सो एक्साइटेड। रोम की काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो मैंने फ्रांस और इटली पे देखा था। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ बस में जाओ आओ या फिर कैफे जाओ जो भी है आपको ना मेसी आवा ये सब बोलना पड़ता है, लाइक यू एक्नॉलेज देम, कुछ भी हो थोड़ा हाथ इधर उधर लगा तो उनसे सर। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, हम स्टार्टिंग तो चिल्लम चिल्ली एकदम क्रैची क्रैसी ऐसे बोल रहे थे, जब बस से निकल कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे ज़्यादातर मुंह लटका हुआ रहता है काफ़ी लोगों का, बट पता नहीं शायद समर है और पीपल आर ओवरवर्क्ड तो ऐसे कुछ होगा। मैं आऊँगी फिर से, मे बी विंटर सीजन्स में आऊँगी, बट ऑल इन ऑल सारा ट्रिप में से थ्री डेस्टिनेशन थे, फर्स्ट वन मिलान, नेक्स्ट इज वेनिस एंड थर्ड वन इज रोम। सो ये रोम में इतना खास मज़ा तो नहीं आया, बट वी मेट अमेजिंग फ्रेंड्स जो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनसे काफ़ी सारे बातें हुए, अभी भी उनको ही जाके मीट कर रहे हैं हम लोग। और मेरा जो कल बर्थडे था और जो मैंने आज तक एक्सटेंड करा है वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ ये तीनों वीडियो के बाद क्या मैं पूरा जो बजट हमारा इसमें स्पेंड हुआ उसके बारे में भी बात करूँ, कि आपको जानने का इंटरेस्ट है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ कि ये बजटेड ट्रिप में कितना एक्सपेंस हमने झेला, या फिर अगर आप एक बजटेड ट्रिप टू इटली करना चाहते हैं तो कैसे अपना स्पेंड्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आप कम से कम स्पेंड करें और ज़्यादा एक्सपीरियंस करें। आपने ऐसे कोई टिप्स ट्रिक्स यूज़ करे हैं जो शायद और ऑप्टिमाइज होगा आपके बजट स्पेंड्स हो गए या एनीथिंग, तो सजेशंस हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। नॉट जस्ट मी, मेनी ऑफ द पीपल हु विल बी वॉचिंग दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड। And we treated ourselves with this Kerala food. Thank you, all Nitin. Thank you, Pooja. Tasting Kerala food in Rome. Bye bye, Rome. Oh, by the way, वो यही स्ट्रीट है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसके कारण हम गोल गोल चक्कर काटते रहे बस पकड़ने के लिए। ट्रेनी स्टेशन वहाँ से आपको एक्चुअली बाहर के बसेस मिलते हैं, ज़रा सा वहाँ पे केयरफुल रहिए क्योंकि वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा नहीं था एंड सेफ इतना नहीं लगा, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ हम अपना 7 दिन का जो वेकेशन था ख़त्म कर रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं अपने घर, वो है चुलुस। आई एंड राहुल बोथ ऑफ अस रेकमेंड टू यू, जहाँ कहीं पे भी आप रह रहे हो ऐसे एक बाहर की कंट्री पे एक बार तो वेकेशन जाके आइए, स्पेशली यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। विद दिस आई एंड माई दिस एंटायर सीरीज का व्लॉग, दैट इज़ इटली ऑन बजट। Thank you all of you for watching till now.
stay tuned for more videos. Until then, bye bye.